हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू मटर की सब्जी रेसिपी। और ये आलू मटर की सब्जी मैं छोटे वाले आलू से बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आई होप कि आपको मेरी ये आलू मटर की सब्जी रेसिपी पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये मैंने छोटे वाले आलू लिए हैं, जो एक एक दो दो किलो की जो आलू की पोट ले आती हैं वही आलू हैं ये। और आजकल सीजन चल रहा है आलू का, नए आलू का, तो ये नए वाले आलू हैं। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए आलू को इस तरह से छील लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सारे आलू को छील कर रख लिया है। और छीलने के बाद मैंने आलू को अच्छे से धो लिया है। और अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये आलू को हमने धो कर रख लिया है और एक कांटे की चम्मच लेना है। और इस तरह से हमें तीन से चार जगह आलू पर इस तरह से होल कर देना है। इससे क्या होगा कि आलू में अच्छे से मसाला जो है चला जाएगा, आलू फीका फीका नहीं लगेगा, क्योंकि हम आलू को साबुत बनाने वाले हैं, इसीलिए हमने ये किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मटर ले लिए हैं। तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर कुकर चढ़ा लिया है, क्योंकि मैं ये सब्जी कुकर में बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाना चाहें वही, उसी में आप सब्जी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो मैंने जीरा डाल दिया है और जीरा भी चटक गया। फिर मैंने डाल दिया हरी मिर्ची, क्योंकि इसमें मैं प्याज यूज़ नहीं कर रही हूँ। और फिर ये अदरक डाला है और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और फिर हमने डाल दिया टमाटर, यहाँ पर मैंने एक टमाटर डाला है और टमाटर को भी हम गलने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम डाल देंगे नमक, ताकि टमाटर जो है हमारा जल्दी से गल जाएगा। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट में टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब डाल देते हैं हम इसमें आलू। आलू फ्रेंड्स, मैं इसमें साबुत ही डाल रही हूँ, आलू को मैंने काटा नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे आलू हैं ये। साबुत बनाएंगे इन आलूओं को तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और अब मैं डाल दूँगी हींग। फ्रेंड्स, अगर आप हींग पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो फिर आप हींग स्किप भी कर सकते हैं, पर आलू की सब्ज़ी में हींग डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें डाल लेना है थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और फ्रेंड्स, खासकर आलू की सब्ज़ी में तो कसूरी मेथी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आलू हमारे 5 से 7 मिनट में अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसमें डाल लेते हैं थोड़े मसाले। तो सबसे पहले हम डाल देंगे ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और फिर डालेंगे हम इसमें रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए और मसाले डालकर भी हमें आलू को अच्छे से भूनना है। और अब डाल देंगे ये मटर, और मटर डालकर भी हमें इसको अच्छे से भून लेना है फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब डाल देंगे इसमें हम दही। फ्रेंड्स, यहाँ पे दही मैंने 2 चम्मच डाला है। दही डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, थोड़ा सा खट्टा खट्टा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है दही भी इसमें। और ये देखिए मेरी प्याज जो है उग चुकी थी, तो ये मैंने जो ऊपर का है ये प्याज ग्रीन वाला हिस्सा काट कर इसमें डाल दूंगी। ये डालने से भी सब्जी का टेस्ट और अच्छा आएगा, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स प्याज और लहसुन घर में रखे रखे ही उग जाते हैं, तो हम उसको कोई भी सब्जी में डालकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्जी में डाल दिया है काट कर, और अब ऊपर से मैंने डाल दिया है पानी, क्योंकि मैं ये आलू की सब्जी थोड़ी सी रसे वाले बनाऊँगी। और कुकर को हमने कर दिया है बंद, इसमें हम लगाएंगे 2 सीटी। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सीटी कुकर में लग गई है और आलू की सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं, ये देखिए आलू अच्छे से हमारा गल चुका है। तो फ्रेंड्स, आलू मटर की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ऊपर से हमने हरा धनिया डाल दिया है। तो यहाँ पे आलू और मटर की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स, साबुत आलू और मटर की, और बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मार्केट में नए नए आलू आ रहे हैं इस समय, और छोटे आलू की सब्जी तो वैसे भी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि छोटे आलू जो है मीठे नहीं होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है आलू मटर की, और ये साबुत आलू बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी आलू मटर की सब्जी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरे आने वाली
हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। इसीलिए फ्रेंड्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हाँ साथ में लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।